लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट के दावेदारों की दुख दुखी बढ़ गई है, क्योंकि अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका टिकट के चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार था। टिकट फाइनल करने से पहले दिल्ली में कांग्रेस का आज भी मंथन होना है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर ये मंथन कल के लिए रखा गया है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर भी एक मीटिंग संभावित है। इसके लिए पार्टी हाईकमान द्वारा गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी के 5 सदस्यों को दिल्ली बुलाया है। इनमें से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल, कौल सिंह ठाकुर व रामलाल ठाकुर शामिल हैं। मीटिंग में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास होगा। अभी तक मंडी से प्रतिभा सिंह और हमीरपुर से सतपाल रायजादा का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन कांगड़ा और शिमला में अभी पेंच फंसा हुआ है। कांगड़ा से आशा कुमारी व डॉक्टर राजेश शर्मा को टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। शिमला में बीजेपी टिकट पर जीत दर्ज करवाकर 2 बार सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप को भी कांग्रेस टिकट देना चाह रही है, लेकिन पार्टी को इनकी एंट्री से बगावत का भी डर है। वीरेंद्र कश्यप पर सहमति नहीं बनी तो दयाल प्यारी को टिकट की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इसके साथ साथ अमित नंदा और पूर्व विधायक सोहनलाल भी टिकट की रेस में शामिल है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर देगी।